सात से दस दिन पहले सदगुरु जग्गी वासुदेव इनका एक मैंने ऐड देखा था, मुझे लगता है ये यूट्यूब पे देखा था, और जिसमें एक वो हमें फ्री में एक रुद्राक्ष दे रहे हैं इसके बारे में बताया गया था। तो मैंने भी उसके लिए अप्लाई किया उनके वेबसाइट के ऊपर जाके। जब मैंने ऐड पे क्लिक किया तो वेबसाइट पे गया मैं, और वहाँ पे उनके एक फॉर्म था वो भरना था। वो भरने के बाद मुझे आज ये पैकेट मिला। आज का डेट है 5 अप्रैल, 5 अप्रैल 2021। तो ये पैकेट मुझे कुरियर से मिला। ये नॉर्मल पैकेट है, आप देख सकते हो एक नॉर्मल पैकेट है। इसमें ऊपर लिखा गया है रुद्राक्ष दीक्षा शिवास टीयर ऑफ एक्सटेसी, शिवास टीयर ऑफ एक्सटेसी। जो लिखने का तरीका दिखे कितना कि ये शिवा के आंसू है एक्सटेसी के, यानी जो एक्सटेसी होती है या वो जो खुशी की अवस्था होती है उसमें शिवा के टीयर्स आए हैं, उसको रुद्राक्ष कहा गया है। और मैं इसको ये करना चाहूँगा, अनपैक करना चाहूँगा। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ईशा उत्सव तनिर पंडाई वेलिंगिरी फुटहिल्स कोयम्बतूर तमिलनाडु 64114। अभी इसके अंदर क्या क्या है मैं दिखाना चाहूँगा आपको। इसके अंदर है क्या, ये मैं इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। ये थोड़ा सा आपको भी पता होगा कि ये जो सदगुरु है ये थोड़ा तंत्र मंत्र तांत्रिक मांत्रिक इस लेवल पे जाते हैं। तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र यानी ये इनको कहते हैं कि इंजीनियरिंग, तांत्रिक यानी इंजीनियर। ओके, तो ये रियली इसके रिगार्डिंग ही है। पर अपने यहाँ पे तंत्र मंत्र को थोड़ा निगेटिव साइड में लिया जाता है, पर ये जो देते हैं ये जो सदगुरु का जो भी वीडियो देखते रहेंगे उनको पता रहेगा कि ये कितने पॉजिटिवली इन चीज़ों को बताया जाता है, और सही में है भी। जैसे आप किसी भी तंत्र मंत्र का यूज अच्छे के लिए भी कर सकते हो और बुरे के लिए भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली इस टाइप का मैं कभी यूज नहीं करता। ये काले थैले में जो भी होता है इसको तांत्रिक मंत्र की बोला जाता है ये। और ये इसमें से उन्होंने दिया हुआ ये है उनका रुद्राक्ष, ये है रुद्राक्ष जो उन्होंने दिया है। ये नॉर्मली 1 2 3 4 5 पंचमुखी रुद्राक्ष है ये। आई होप सो आप देख पा रहे हो इसको। इसमें ये मुझे लगता है इसमें विभूति है, ये है विभूति। ओके, इसमें ने ये पाउडर होगा कुछ तो राखाड़ी कलर का, देखते हैं इसको भी खोल के हम देखेंगे क्या है ये। एक मिनट मैं इसको खोलता हूँ। एक ही हाथ से मोबाइल पकड़ना और ये करना थोड़ा कठिन जा रहा है। एक मिनट मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। आई होप आप ये देख पा रहे हैं, ये है विभूति। ये आप व्हाइट कलर का ये आप देख पा रहे हैं, विभूति है ये। इसमें और एक दिया गया है, ये कुछ तो मैनुअल होगा कैसे यूज करने का इसके बारे में। ये है मैनुअल रुद्राक्ष दीक्षा, रुद्राक्ष के बारे में इंफॉर्मेशन है, अभय सूत्र, ईशा विभूति, आदि योगी इमेज और रुद्राक्ष आदि। नहीं, ये क्या क्या दिया है इसमें दिखाया गया है, ये है, पहले यहाँ पे रुद्राक्ष के बारे में बताया गया है। इसके बाद में है अभय सूत्र, अभय सूत्र, ईशा विभूति। तो ये है, ये जो है ये ईशा विभूति है। ओके, ये तो सही है। इसमें अभय सूत्र है और आदि योगी इमेज, ये मुझे लगता है ये होगा, ये अभय सूत्र हो सकता है, ये अभय सूत्र। और आदि योगी इमेज भी दिया है, ये यहाँ पे है, ये देखिए ये आदि योगी इमेज इसमें दिया है। ओके, ये है आदि योगी इमेज। ओके, उधर जो बड़ा स्टैचू है ना कोयम्बतूर में, तो इसके यही हो। इसके बाद में ये मैनुअल, मैं एक काम करता हूँ, मैं मैनुअल आपके लिए पढ़ता हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो ये मैं आपको बता दूंगा। सही में बताऊँ तो ये तंत्र मंत्र इन चीज़ों को मैं मानता नहीं था, लेकिन जब से मैंने सदगुरु का वीडियोस देखने स्टार्ट किए तो मैं सोचता हूँ हर एक चीज़ का हम लोग अच्छा भी यूज़ कर सकते हैं और बुरा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई छुरी है तो उसका हम लोग फल काटने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बुरे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तंत्र मंत्र इसी 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 की तरह होते हैं। जो यानी सदगुरु के जो वीडियोस देखे उसके वजह से मुझे पता चला, वरना मैं भी तांत्रिक मांत्रिक इन चीज़ों को खराब ही समझता था। पर अभी समझ में आ रहा है कि ये लोग एनर्जी लेवल पे काम करते हैं, यानी प्राणिक सोर्स जो होते हैं इसके ऊपर काम करते हैं। ये सूक्ष्म लेवल पे काम किया जाता है, और अपने यहाँ पे थोड़ा सा इसको कलुषित किया गया है, यानी गलत ढंग से लिया गया है। और नॉर्मली इसके लिए इसका यूज निगेटिव चीजों के लिए किया गया है, पर एक अच्छी बात है कि सदगुरु जैसे लोग हैं इनके वजह से हमें पता चलता है कि ये इन चीजों के वजह से अच्छा अच्छी भी चीजें हो सकती है।
मैंने सब कुछ खोल दिया है, जो पुड़िया थी इसको भी खोल दिया मैंने, इसके पीछे ये ट्रायंगल दिया है, इसमें लिखा है ओम नमः शिवाय, ये मंत्र है, यहाँ पे लिखा है ओम नमः शिवाय, अलग अलग इसमें इंग्लिश में दिया है, हिंदी में लिखा है, और इसके अंदर अंदर आप देख सकते हैं एक रुद्राक्ष है और ये थ्रेड है, थ्रेड यानी जो हाथ को बांधने के लिए दिया जाता है, ये थ्रेड है, ये हाथ को बांधना होता है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ कि ये है क्या। तो जैसे कि अभी देखिए ये हम पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया भी गया है डिटेल में हिंदी में, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। ये लिखा है कि रुद्राक्ष, रुद्राक्ष ये देखिए, ये रुद्राक्ष है, ये जो है ये पंचमुखी रुद्राक्ष है, एक मिला है ये एक वाला, ये सेकेंड वाला यहाँ पे है, ये दूसरे पुड़ी में ये सेकेंड वाला है, और ये थर्ड वाला रुद्राक्ष, इसके लिए पुड़ी नहीं थी, ये ओपन ही था। तो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ रुद्राक्ष के बारे में। प्राण प्रतिष्ठित, इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ऐसे कहते हैं, एनर्जी लेवल पे इसमें एनर्जी का संचरण किया जाता है एक विशिष्ट विधिया करके, इसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन इसको प्राण प्रतिष्ठा बोला जाता है। हमारे मंदिर में भी जब भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है तो उसको भी प्राण प्रतिष्ठा ही बोला जाता है। तो ये प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष से हमें आदि योगी शिव, हमें आदि योगी शिव की कृपा मिलती है। इसे गले में पहनने से शारीरिक मानसिक सेहत और ध्यान में सहायता मिलती है। सदगुरु इसके साथ एक साधना भेंट करेंगे, इसके साथ एक साधना भेंट करेंगे, साधना इंग्लिश में क्या क्या दिया गया है, सदगुरु हैज ऑफर अ साधना टू अकम्पनाय द रुद्राक्ष दीक्षा। ये कुछ तो रुद्राक्ष दीक्षा बोल के उनकी कोई तो कोर्स रहेगा, ये देते रहेंगे। सेकेंड है अभय सूत्र, यह प्राण अभय सूत्र यानी ये होगा, ये सूत्र है, कोई धागा है ये जो हाथ को बांधना होता है, ये देखिए पूरा ये धागा है, इसको हाथ को बांधना है, ये देखिए दो दो धागे दिए हैं। तो इसके बारे में दिया गया है कि अभय सूत्र, ये अभय सूत्र, यह प्राण प्रतिष्ठित धागा कलाई पर बांधा जाता है, महिलाओं की बाई कलाई यानी लेफ्ट, पुरुषों की दाई यानी राइट। इसे कम से कम 40 दिन पहनना चाहिए। यह डर दूर करता है और महत्वाकांक्षाएं पूरी करता है। इसे गांठ खोलकर या जलाकर उतारना चाहिए, इसे गांठ खोलकर या जलाकर उतरना उतारना चाहिए, नहीं न कि काट कर, काटना नहीं है, अगर जब उतारेंगे 40 दिन के बाद, या फिर और भी रख सकते हैं आप, तो उसके बाद में उसको जलाकर या फिर गांठ खोलकर उतारना चाहिए, काटना नहीं है, और फिर गाड़ना चाहिए जमीन में कहीं पे तो गाड़ दीजिए। अभी आखिर है ईशा विभूति, ये देखिए इसमें ईशा विभूति मैंने शुरू में भी लिखा है आपको, इसमें आप देख सकते हैं सब विभूति है, ये विभूति नॉर्मली जो ये करते हैं ध्यान बीन करते हैं, ये बॉडी को लगाते हैं। ये ईशा विभूति के बारे में हम पढ़ेंगे। ईशा विभूति, ध्यान लिंगम में प्राण प्रतिष्ठित या विभूति लगाने से आध्यात्मिक ग्रहणशीलता बढ़ती है। आपको तो अगर आप अगर सदगुरु के वीडियो सुनते रहेंगे तो आपको ध्यान लिंग क्या है ये भी पता होगा, और वहां पे प्राण प्रतिष्ठित की हुई ये विभूति है। आदियोगी शिव की तस्वीर, और आखिर में इन्होंने दिया है एक आदियोगी शिव की तस्वीर, वहां पे जो बड़ा स्टैचू है कोयम्बतूर में, जो उनका आश्रम है सदगुरु का, उनके आश्रम के यहाँ पे जो जो बड़ी ये है बड़ा मूर्ति है आदियोगी का, ये आदियोगी की मूर्ति का फोटो दिया है। बस इसमें पूरी तरह से यही दिया गया है। ओके, आई होप ये अनबॉक्सिंग आपको पसंद आई होगी। ये देखिए मैंने रुद्राक्ष तो बांध दिया है गले में, अभी इसके लिए मैं धागा ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो नॉर्मली हमारे दुकान में मिलते हैं ना, काले धागा रहता है, पंचरंगी धागा होता है, पर मैंने देखा कि ये रुद्राक्ष का जो अंदर का जो होल था वो बहुत ही छोटा था। तो ढूंढते ढूंढते बाद में पता चला कि जो हमें जो अभय सूत्र दिया गया है इस रुद्राक्ष के साथ, तो ये अभय सूत्र का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी हम डायरेक्टली नहीं जाता, वो ऐसा कोशिश कर सकते हैं हम लोग कि किसी पिन से या फिर अपना जो सुई होती है ना उसे डालने का, लेकिन इजी मेथड मैंने बाद में ढूंढ ली। ये आप देख सकते हैं ये सुई है। ओके, तो सुई में अपना जो मशीन का धागा होता है ना, हमारे जो हम लोग कपड़े सीते हैं सीने की मशीन, तो उसका जो धागा होता है ना पतला वाला, तो ये पतला वाला धागा इसमें डाल दो, अपने सुई में डाल दो, और सुई को दूसरे दूसरे तो दूसरे एंड से, ये दूसरा एंड से उसको क्लोज कर दो, ये देखिए दूसरा एंड से क्लोज कर दो, और बाद में इसमें ये अभय सूत्र डाल के बाद में उसको आपको इस रुद्राक्ष के होल में से निकालना है। तो दूसरा एंड क्लोज होने की वजह से वो धागा भी जो अभय सूत्र है उसके साथ खींचा चला आएगा दूसरी दूसरी छोर पे तरफ दूसरी छोर में,
या फिर दूसरे साइड में भी आ जाएगा ये अपने रुद्राक्ष के। तो ये आसान से आप कर सकते हो, उसमें कुछ इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं है। ओके, और एक बताना चाहूँगा मैं, मैंने ये जो अभय सूत्र है ये हाथ को भी बांध दिया है। ठीक है, बांधते वक्त कुछ अभय सूत्र छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो छोटे वालों को बांधने के बाद छोटा सा जब बड़ा वाला ज़्यादा रह जाएगा तो उसको और एक राउंड मार सकते हैं आप, तो इसकी वजह से आपको बांधने में आसानी होगी और आप अच्छी तरह से बांध सकते हो। और कोशिश करना कि टाइट ना हो जाए, क्योंकि हम बांधते हुए ऐसा हो जाता है कि कभी कभी टाइट हो जाता है। तो इसके लिए मैंने बांधते हुए क्या करना कि एक पेंसिल या फिर पेन इसके बीच में रख देना, तो उसकी वजह से आप टाइट भी बांधोगे तो बाद में जब पेंसिल या पेन निकालोगे तो उसके वजह से ये अच्छी तरह से आपका थोड़ा सा लूजनेस रहेगी और आपको तकलीफ नहीं होगी कि आपको ब्लड सर्कुलेशन में या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो जिसके वजह से टाइटनेस लगेगा और हमेशा आपको दुखता रहेगा, छुपता रहेगा, तो वैसा नहीं होगा। तो आप ये अच्छी तरह से बांध पाओगे। तो आई होप मेरे इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे लगे होंगे और इससे आपको अच्छी तरह से फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।